बड़े जलील के बाबरकत नाम से जो हमारी शहरक से भी ज़्यादा करीब है। सदर आली वकार और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई का मौका मिला है वो है इकबाल का शाहीन। झपटना पलटना पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, के शाही बनाता नहीं आशियाना। सदर आली वकार, शाहीन एक परिंदा जो अपनी रफ्तार, शिकार और वकार की वजह से इकबाल का मंजूर नज़र नहीं बल्कि शाहीन इकबाल का रोल मॉडल है। दरअसल शाहीन आला मकासद, जिद्दोजहद और किरदार की बुलंदी की अलामत है। सदर आली वकार, शाहीन के लिए मंजिल को पा लेने से ज़्यादा मंजिल की जुस्तजू और मुसलसल मेहनत है। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। सदर जी वकार, इकबाल अपने शाहीनों के लिए किसी एक मंजिल का तय्युन नहीं करते बल्कि उन्होंने नौजवानों को हर लहजा आगे आगे और आगे जाने का दर्स दिया। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। सदर मोहतरम, शाहीन कहने को तो एक परिंदा है मगर इन तमाम खूबियों का मालिक है जो एक मर्द मोमिन की पहचान है। शाहीन मुर्दार नहीं खाता, शिकार करके खाता है। इसी तरह इकबाल अपने जवानों को हमेशा रिस्के हलाल कमाने का पैगाम देते हैं। ऐ तायरे लाहूती, उस रिज्क से मौत अच्छी। ऐ तायरे लाहूती, उस रिज्क से मौत अच्छी, जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। सदर आली वकार, शाहीन पस्तियों में जिंदगी नहीं गुजारता बल्कि आसमान की बुलंदियों में परवाज करता है। शाहीन की ये परवाज नौजवानों को ये पैगाम देती है कि जिंदगी आला मकासद की कोशिश का नाम है। आला मकासद से मुराद इल्मो तहकीक, इल्मो दानिश, अल्लाह की शनाख्त और इंसानियत की खिदमत।